नमस्कार, गुरुकुलम इंदौर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 जब से हुई है तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले चर्चा ये हुई कि क्या एग्जाम टाइम पर होगी या एग्जाम टलेगी। जब एग्जाम टाइम पर हुई तो दूसरी चर्चा ये आई कि एग्जाम का पेपर बहुत ईजी है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कोचिंग संस्थानों की आंसर की आई वैसे वैसे नंबर कम होते गए और कट ऑफ सामान्य होने की बात होने लगी। लेकिन जब आयोग की आंसर शीट आई तो सबसे बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि आयोग ने कुछ आंसर्स ऐसे दिए कि पूरी की पूरी जो मंडली है, यानी कि जो अभ्यर्थियों की मंडली है, वो पूरी ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि कुछ आंसर उनके अनुसार जो सही थे वो आयोग ने सिरे से नकार दिए। अब चूंकि आपत्ति लगाई गई है तो अब दो सवाल ये उठकर आ रहे हैं कि क्या आपत्ति को आयोग मानेगा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और किन किन प्रश्नों के बदलने की संभावना है, किन किन प्रश्नों पर दो आंसर की संभावना है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। मैं यहां पर बात करूंगा कि अब एक राहत भरी खबर ये आई है कि आयोग ने कल कुछ पदों की संख्या जो है वो बढ़ा दी है। हालांकि पद की संख्या बड़ी नहीं बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई है और आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। गुरुकुलम ने पहले ही ये संभावना जताई थी कि इसमें पद जो है वो बढ़ेंगे, हालांकि अभी कुछ और पद बढ़ेंगे इसकी पूरी पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ाई है, आगे और पद बढ़ने की संभावना है और क्या कम होगा कट ऑफ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो बात आती है, देखिए सबसे पहले राज्य प्रशासन विभाग यानी डीसी के पद होते थे, डीएसपी के पद थे, वाणिज्य कर अधिकारी के पद थे, रजिस्ट्रार के पद थे, सहायक संचालक के पद थे, सहायक आयुक्त के पद थे, श्रम विभाग में श्रम पदाधिकारी थे, सीएमओ नगर पंचायत में जो होते हैं वो थे, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त थे, विकास खंड अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहा जाता है, नायब तहसीलदार थे, सहायक श्रम अधिकारी थे, सीएमओ श्रेणी बी, सीएमओ श्रेणी सी थे, वाणिज्य कर निरीक्षक थे, ऊपर वाणिज्य कर अधिकारी थे, ये कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होते हैं, आपका उप पंजीयक रजिस्ट्रार वाले सहकारिता निरीक्षक थे और मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा थे। कुल मिलाकर ये 283 पद थे, ठीक है। अब देखिए आरक्षण का जो मामला था उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, आरक्षण का मामला पूर्णतः अभी न्यायालय माननीय न्यायालय के अधीन है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं होता है हमारे लिए। 283 जो है वो पद थे। कल जब आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला तो आयोग का यह नोटिफिकेशन था कि कल कुछ पदों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें आपके वाणिज्य कर विभाग में जिला पंजीयक, जिसमें दो एसटी के पद थे, ठीक है, मूल्य और जो है वो जिसमें से एक मूल निवासी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और एक तृतीय श्रेणी में जो है वो वाणिज्य विभाग में ही उप पंजीयक के पद भी बढ़ाए गए, जिसमें 3 SC, 2 ST, 5 OBC, 2 EWS थे। यानी कुल मिलाकर जो है वो 12 और 2 14 पद बढ़ाए गए हैं। तो अब इनका कहना है कि 290 हो रही है संख्या, कितनी हो रही है 290, 283 और 14 वैसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन अभी कम होना चाहिए, 290 बता रहे हैं। अब मान लिया चलिए 290 हमारे पद बढ़ गए हैं। अब अगर 290 कुल पद होते हैं, 290 आपकी जो है वो है टोटल पोस्ट। अब वो इसका जो है वो कितना लेगा, 20 गुना, यानी कि आपका 20 टाइम्स जो है वो प्री के लेगा, जो पहले क्या लेता था 15 गुना लेता था, लेकिन अब वो क्या लेगा, 20 गुना लेगा। जब वो अब 20 गुना लेगा तो जाहिर सी बात है संख्या तो यही बढ़ रही है। तो अब ये पद, छोटे से पद बढ़ने से भी जो है आप ये मत सोचे, आप ये सोचिए कि वो 14 जो पद बढ़े हैं इंटू 20 बच्चे भी आएंगे, तो बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है, पदों से आपको 20 गुना बच्चे चाहिए ना, और प्री तो आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, मेरिट तो आपकी मेंस और इंटरव्यू से बन रही है। अब इसमें एक ये भी चर्चा उठ रही है कि फिर ओबीसी को आरक्षण दे दिया है या यूआर अनरिजर्व के पद नहीं आए, तो वो चर्चा जो है वो एक अलग विषय हो जाता है। फिलहाल 14 पद बढ़ाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं 14 पद बढ़ने के जो अलावा है वहां पर भी आपके जो है वो 14 पद के बाद सहकारिता विभाग, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, वाणिज्य कर निरीक्षक और
अब हाँ, ये जो चार पद हैं, चार पांच पोस्ट, इसमें पोस्ट और बढ़ने की संभावना है, और स्पेशली नायब तहसीलदार के पद जो हैं वो बढ़ाने की संभावना पूरी पूरी है कि नायब तहसीलदार के पद और बढ़ेंगे अगर ये पद बढ़ते हैं। हालांकि कुछ लोग तो 100 के आसपास संख्या बता रहे थे, लेकिन फिर भी मिनिमम जो 14 बढ़ा है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपको अभी भी 50 के आसपास पद और बढ़ने की संभावना हो सकती है। और यदि ये पद बढ़ाए जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो 2 से 3 प्रश्न कम जाएगा। 2 प्रश्न तो कम मान के चलिए कि यदि आपके जो संख्या है वो 50+ होती है तो कट ऑफ पे 2 का असर पड़ेगा। भले ही आप कितना इजी पेपर मान लें, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था, लोगों के प्रश्न जो है वो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वाले जो इकोनॉमिक्स वे में गए थे, ई कॉमर्स वाले, उसमें गलत लोगों के हुए हैं, कुछ आते हुए भी गलत करके आए हैं। अब यहां पर एक संभावना यह भी बन रही है कि आयोग जो फाइनल आंसर शीट है वो 2 प्रकार से डाल सकता है, या तो फाइनल आंसर शीट डाल देगा, या आयोग कई बार क्या करता है कि रिजल्ट के कुछ घंटे पहले या उसी दिन सेम डे कुछ समय पहले जो है वो आपकी फाइनल आंसर शीट डाल देता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ आयोग के पास जाने का चारा नहीं रहेगा, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्ट में जा सकते हो, सिर्फ जो है वो कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, कहां जा सकते हैं? सिर्फ जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाने के बाद ही जो है वो आप उस आंसर शीट पर लड़ सकते हैं, जैसा कि अभी एक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला प्रश्न चल रहा था, लेकिन उसके बाद आयोग सुनवाई नहीं करेगा। तो अभी हाल फिलहाल के आंसर शीट से मैं आपको यही कहूंगा कि जो 71-72 जनरल है वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अभी प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी जब आयोग बदलेगा। तो ठीक है, तो यह था कि आयोग ने जो पदों की संख्या बढ़ाई, इससे कट ऑफ पर बिल्कुल असर पड़ेगा। 14 से कट ऑफ पर असर पड़ने की संभावना नगण्य है, कम है, लेकिन अगर पड़ा तो 1 प्रश्न के आसपास पड़ सकता है, लेकिन 1 प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये महत्ता वो जान सकते हैं जो कभी 1 प्रश्न से बाहर हुआ होगा। ठीक है, हालांकि पद और बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, नायब तहसीलदार के पद भी बढ़ेंगे और सहकारिता विभाग के पद भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, और यदि वो पद बढ़ते हैं तो आपका कट ऑफ भी कम होगा। इसीलिए बिना समय व्यर्थ किए, बिना समय गवाए मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस में आपको इस बार अच्छा खासा समय मिला है। ठीक है, 19 का मैटर अपना अलग है, वो प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन 2021 के लिए आप लोग बिना समय गवाए मेंस में लग जाएं, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर बात वही आएगी कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए चिड़िया को खेत ना चुगने दो, खेत को जोतो और अपनी फसल तैयार करो, ताकि वक्त आने पर आप अपनी फसल को अच्छे से काट सको। ठीक है, पद तो बढ़ेंगे, कट ऑफ भी सामान्य ही रहेगा, 30-40-50 पद और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।